हेलो दोस्त, रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा का बधाई और शुभकामना। तो जब भी बधाई और शुभकामना होती है तो प्रोविजनल पैनल की बात होती है, और एलपी प्रोविजनल पैनल आ चुका है जिसमें 285 कैंडिडेट का है। तो थर्ड पैनल कब आएगा? और आपका एक ही सवाल रहेगा, कौन सा आरआरबी का है, आरआरबी का नाम क्यों नहीं लिखा? तो इसके लिए एक पहेली है आपके पास। अगर आप एलपी की पोस्ट करते हैं, पूरी आप फॉलो करते हैं, तो एलपी की टोटल पोस्ट है 534, उसमें से पैनल वन में 183 और पैनल टू में 285, यानी टोटल कैंडिडेटों की संख्या आ चुकी है 468 पैनल में, और 66 कैंडिडेट की बाकी है एलपी की पैनल। तो आरआरबी के नाम बताएं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, हमसे स्मार्ट आप ही हैं, इतनी सजेशन देते हैं अच्छे और बुरे दोनों, इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आरआरबी के नाम बताइए। डिले करूँ या चलूँ वेबसाइट पे? तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो सीधी वेबसाइट पे चलते हैं। तो वेबसाइट आपके पास है सिलीगुड़ी, आरआरबी सिलीगुड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरह से ही। और ये वेबसाइट चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास एक नया वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 1/18 रिक्रूटमेंट फॉर एलपी एंड टेक्नीशियन कैटेगरी प्रोविजनल सेकंड पार्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/18। ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करते ही यहाँ ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे आ गया है कैंडिडेट का, जिसमें ये नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन ये लिखा है कि मालीगांव गुवाहाटी को भेजा जाएगा आपको, किसके पास? प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर के पास, आगे के लिए फर्दर ऑपरेशन के लिए, यानी आपकी ज्वाइनिंग लेटर भेजने के लिए। तो यहाँ 15 से 20 दिन में ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। पैनल वन में लिस्ट है कैंडिडेट, उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो रही है। अब पैनल टू आ गई है, और पैनल टू में कैंडिडेट भी लगभग 2 गुना से थोड़ा कम है। इसमें बोला गया है कि पैनल टू में उन्हीं लोगों को कैंडिडेट को शामिल किया गया है जो मेडिकली फिट थे और एलपी की कैटेगरी हायर प्रीकैटेगरी से बाद में था, यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका एलपी से हायर टेक्नीशियन है, उनका सम्मिलित नहीं किया गया है। उनका कब किया जाएगा? तो फाइनल रिपोर्ट आएगी मेडिकल की, तब आपको उनको शामिल किया जाएगा, यानी अगर पैनल थ्री या पैनल फोर में शामिल किया जाएगा टोटल कैंडिडेट का। अगर 66 कैंडिडेट का आया तो पैनल थ्री, नहीं ज़्यादा को आया तो पैनल फोर और आगे चलेगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल की पोस्ट थी, तो मैकेनिकल की पोस्ट में आप देखेंगे तो एक कैटेगरी नंबर 2 का मैकेनिकल पोस्ट है, एलपी मैकेनिकल है, और इसमें टोटल आपका नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, न कि मेरिट में है। मेरिट यहाँ नहीं लगी है, मेरिट केवल भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर ने लगाया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या 285 है, 16 अगस्त 2019 डेट है, और चेयरमैन का नाम। तो ये है आरआरबी सिलीगुड़ी, जिसको थोड़ा सा लॉजिक बनाया और आपके लिए छोड़ दिया है, मेन वीडियो के टाइटल में नहीं है। तो बधाई एक बार और, शुभकामना एक बार और, 15 दिन बाद आपके पास या पहले ही आपके पास एक डाक घर पे पहुंचने वाला है, इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।